हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की जो रेसिपी है वो है मैक्रोनी चाट। ये बहुत ही डिलीशियस यम्मी लगती है खाने में। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कप उबला हुआ मैक्रोनी लिया है, आधा कप स्वीट कॉर्न लिया है जिसको मैंने एक मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया है, एक कप बारीक कटा हुआ टमाटर, एक कप बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए, हरी चटनी या धनिया की चटनी, सॉस, पीनट्स, भुजिया या सेव गार्निशिंग के लिए और लेमन जूस, 2 स्पून लेमन जूस। मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है स्वाद अनुसार लाल मिर्च, चाट मसाला और नमक। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स स्वाद के अनुसार आपको लेनी है। अब सबसे पहले मैं एक बड़े बॉल में मैक्रोनी ले लूँगी। मैक्रोनी में मैं सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दूँगी गार्निशिंग वाले इंग्रेडिएंट्स को छोड़कर, यानी कि धनिया पत्ती और सेव को छोड़कर। थोड़ी सी चटनी और थोड़ी सी सॉस मैं गार्निशिंग के लिए भी बचा कर रखूँगी। सारे इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं प्लेटिंग करूँगी। प्लेट में सबसे पहले मैं मैक्रोनी को ले लूँगी। मैक्रोनी के ऊपर से मैं स्प्रेड करूँगी हरी चटनी। अब इसके ऊपर से मैं ये भुजिया स्प्रेड कर दूंगी अच्छे से, चारों तरफ को अच्छे से मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी और इसके बाद इसके ऊपर से मैं रख दूंगी धनिया पत्ती। मैक्रोनी चाट खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये एक इवनिंग स्नैक के लिए एक अच्छा ऑप्शन है और ये बच्चों के लिए भी एक हेल्दी ईटिंग फूड है। तो बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।